हम तेज वाले पे ना चलाएं, अभी देखते हैं ना ले लेते तेज हैं। वाले पे चलाएंगे तो तेज चलेगा। डाल के गरम किया था। अच्छा चीनी इसके अंदर डाली भी है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं खुश रहा हूँ अपने YouTube चैनल के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और हमारा जनाबी मिल्कशेक बनना शुरू हो गया। अल्लाह देखिए कितने मोटे मोटे एप्पल के छिलके उतारती है। खुब आवाज़ इसमें चली जाएगी, लोग कहेंगे इसका बेटा इतना गंदा है। ये लोग कहेंगे, मैं क्या कहूँगी कि मेरा बेटा गंदा बच्चा है? लो, मेरा बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है, दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है। हर माँ को अपना बच्चा अच्छा लगता है, मेरा बच्चा तो है ही अच्छा। नहीं, ये देखे तो जनाब जी मिल्कशेक हो गया शुरू, मिल्कशेक बनना। और जनाब ये देखें, क्या कर रहे हो? अच्छा दिखानी है, ये देखें जी, ये इनकी टॉफी है, ठीक है, इसको टाटी कहते हैं। चले, और ये मेरा खुबैब जो है, और यहाँ पे घुमक्कड़ बस लगा हुआ है जी, इंडिया का चैनल, और ये मेरा घुमक्कड़। अब बताओ क्या कह रहे हो? घुमक्कड़ ये इंडिया का लफ्ज है, इंडिया के लोग हैं, और ना हिंदी जबान का लफ्ज है बेटे, इसका मतलब है घुमक्कड़ का मतलब है घूमने वाला। आज ये घुमक्कड़ बस वाला चल रहा है, कभी कैरावैन चल रहा होता है, कभी हिमाचली कपल से सही हिमाचली कपल क्या ठहरो क्या हिमाचली कपली दोबारा ऊंचा बोलो कपली। ये जी ये है वो बच्चा मिस्टर दीपक एंड मिसेस दीपक कुकू, ये है वो बच्चा जो आपको कहता है हिमाचली कपली जी, मेरा पुत्र। यस है, नो डोंट से। हाँ जी हिमाचली कपली ये वाला लड़का, ये कहता है, ये बहुत शरारती नोटी मेरा पुत्र है, और ये आगे से मुझे नोटी नोटी कहता रहता है। कल मुझे कह रहा था बेबी की बच्ची और मोहम्मद का बच्चा। हाँ आप मेरे बच्चे ये एप्पल जो है कट गया, ये देखें जी, ठीक है पूरा। इसमें अब हम इसमें डालेंगे दूध चीनी, इसमें डालेंगे ऑलरेडी हम डालेंगे इसमें जी कंडेंस मिल्क डालेंगे, ठीक है जी। और इसको हम इसी के अंदर जो है बीट कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, जो भी हम कहेंगे, ठीक है, अपनी वो जो स्टिक थी उसके साथ। और ये चूंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, वो जो नई अभी खरीदी है जो मैंने दिखाई है उसका चूंकि एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, ठीक है जी। नया ग्राइंडर है, किसका है ये दिखाओ? बेबी का है, और किसका है? बेबी का है, और आला का भी, और बब्बा के भी, और मोहम्मद का भी, अय्या का भी, अबा का भी। ये देखें जी ये सारों का नया ब्लेंडर आ गया, सही है, ठीक है। और जनाब इसमें जो है ये है कंडेंस मिल्क, ये हमने डब्बे से निकाल लिया, कोमेल आई थिंक सो कोमेल है ये, ठीक है जी। इसको जो है वो हमने उसका जो टिन पैक था उससे निकाल के इसमें कर लिया है, और इसको फ्रिज में रखा हुआ था, हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा कंडेंस मिल्क हमें इतना पसंद था, ये मेरे मोहम्मद के काम देख लें आप, ये मेरा नोटी बच्चा। ये अम्मी जब ना इसको चाय में यूज़ करती थी, आधा चम्मच या एक चम्मच अपने कप में डालती थी, और हम इसको उंगलियों से चाट जाते थे और इतनी जल्दी ख़त्म कर देते थे। कंडेंस मिल्क इसमें डाल लिया, ये है कंडेंस मिल्क इसमें डाल लिया, और अब हम इसमें चलाने लगे हैं अपनी जो वो स्टिक है ये मुकदमा। अच्छा जी अब ये चलाने लगे हैं इसमें, हल्का चलाना लाइट पे चलाए। ये शेक ज्यादा ना करो बस, ठीक है हाँ, थोड़ी थोड़ी देर में चलाना है। ऊपर वाले से कर रहे हो, नीचे वाला बहुत घुमाते भी तो है। नहीं आप नहीं चलाएं, आप बहुत छोटी हो, इसको
तो दबा के क्यों रख रहे हो? ये पुशअप वाला तो नहीं है, ये दबा के इस तरह इस तरह ये इस तरह नहीं, तो दूसरा नीचे वाला जो है वो नीचे वाला इस तरह करेगा, घुमाओ आप स्टिक को, घुमा नहीं रहे ऐसे। तो जनाब जी ये बन गया हमारा मिल्क शेक, ये देखिए, ठीक है जी। और ये मिल्क शेक तैयार हो गया, उसी से बनाया हमने, वो जो स्टिक है उससे बनाया और बड़ा अच्छा बन गया। अब हम इसको एंजॉय करने लगे हैं। आए खुबैब ले और पिए, खुबैब आए ले और पिए, जरा पी के दिखाएं कैसा है। बैठे 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 मेरा बेटा पीने लगा है। कैसा है, कैसा है? यम यम यम। ओके जी, इसके साथ ही अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करें। और नेक्स्ट जो है व्लॉग में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। उस वक्त तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।